बस कुछ और देर और केक तैयार हो जाएगा। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने केक के बारे में कहा। लड़कियों, अब ये बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम क्या कर रही हो? ये मेरा केक है, मैंने इसे तुम्हारे लिए नहीं बनाया। मुझे माफ कर दो, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे अभी ठीक कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्या तुम्हें पता भी है कि किस तरह का काम है? नहीं तो अभी पता करो। हम कहाँ हैं? ऐसा लगता है कि अब एक बहुत अच्छी चुनौती हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा और बहुत स्वादिष्ट। तुम्हें कामयाबी मिले। मुझे आशा है कि हम सभी स्वादिष्ट केक बनाएंगे। अब हम पता लगाएंगे। वाह, स्ट्रॉबेरी, बहुत बढ़िया। खेल अभी शुरू हुआ है और मैं पहले से ही बहुत भाग्यशाली हूँ। यह बर्फ के समान सफेद केक को लाल बेरी से सजाने का समय है। अरे बस गंदगी मत फैलाओ। तुम हम पर हरे पत्ते क्यों फेंक रही हो? माफ करना, केक की वजह से मेरा ध्यान हट गया था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच सकती। यार ये कितना स्वादिष्ट है। मैं भी केक को जल्दी से खाना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। क्या मछली? ये बहुत घटिया है। हाँ वो तो पक्का है, महक पूरे कमरे में फैल चुकी है। मुझे समय पर गैस मास्क मिल गया। मैं इस घिनौनी चीज को कैसे खा सकती हूँ, अगर इसके पास रहना भी असंभव है। उससे क्या फर्क पड़ता है, मुँह के बाद जल्दी खाना है। यह नामुमकिन है। मुझ पर मत चिल्लाओ, मैं इतनी तेजी से कोशिश कर रही हूँ। लड़कियों मुझे पकड़ो, मैं इसे और नहीं कर सकती। हमें इस गंदी चीज से तत्काल छुटकारा पाने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, मैंने अपने जीवन में इससे बुरा कुछ भी नहीं खाया है। इस बकवास को निपटाने के लिए धन्यवाद। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं जल्द से जल्द बटन दबा सकूं। वाह, गमी वर्म्स। मैं कितनी लकी हूँ। मुझे उन्हें जल्दी से केक पर फैलाना होगा और इस स्वादिष्ट खाना को खाना होगा। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। उम्मीद भी मत करो। देखो इतनी छोटी प्लेट में कितना बड़ा कीड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं केक के लुक को खराब नहीं कर सकती, यह बदसूरत हो जाएगा। हमें बड़े कीड़े को टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। सूजी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ क्यों नहीं। खींचो खींचो और जोर से। इतनी जोर से नहीं। ऐसा लगता है कि डेजी को अब केक की जरूरत नहीं बल्कि एक डॉक्टर चाहिए। तो आशा करती हूँ कि अगर मैं केक खाऊं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बार मैं सबसे पहले बटन दबाऊंगी। हुर्रे, चॉकलेट अंडा। कुछ मुझे बताता है कि केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे सजा कर रखने की जरूरत है और ताकि मैं जल्दी से खा सकूं। और इसके लिए मुझे सभी किंडर्स को जल्दी से सजाना होगा। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगी? हाँ क्यों नहीं, पर तुमने अभी तक अपना खुद का बटन नहीं दबाया है। हो सकता है तुम्हें भी वहाँ कुछ स्वादिष्ट मिले। देखो किंडर्स के अंदर एक सरप्राइज है।
ये रंगीन स्प्रिंकल्स है, बहुत स्वादिष्ट। कैसा है, क्या ये केक स्वादिष्ट है? हाँ बहुत। अब मैं इन स्प्रिंकल को केक पर कुछ बिखेर देना चाहती हूँ, इससे ये और भी खूबसूरत लगेगी और जाहिर है बहुत स्वादिष्ट भी। क्या ये स्वादिष्ट है? बहुत, तुम्हें पता भी नहीं कि कितना। आशा करती हूँ कि मैं भी किस्मत वाली निकलूं। वाह, स्ट्रॉबेरी जैम, मुझे ये पसंद है। वह निश्चित रूप से केक को कम सूखा और अधिक स्वादिष्ट बना सकता है। मुख्य बात है ये ज्यादा नहीं है, नहीं तो ये बहुत मीठा हो जाता। केक बहुत मीठा हो जाएगा। तो क्या ये बढ़िया नहीं है? दरअसल हाँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। मैं भी जल्द से जल्द बटन दबाना चाहती हूँ। कोला, मेंटोस। मैं केक के साथ कोला और मेंटोस को कैसे मिला सकती हूँ? मैं इसे पानी नहीं दूंगी, नहीं तो ये निश्चित रूप से चारों ओर से भींग जाएगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, जब एक असली फाउंटेन बना सकते हैं तो इसे पानी क्यों दे? कोला, केक, मेंटोस, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फव्वारा होगा। बस सावधान रहो ताकि हम भींगे नहीं। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना छोटा सा फाउंटेन। हाँ, मैंने सोचा था कि और भी कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों, मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट था। वाह, कितनी खूबसूरत गुड़िया है और यह केक भी है। हाँ, यह सच में बहुत खूबसूरत है। मेरे पास भी एक गुलाबी गुड़िया है जो मुझे बहुत पसंद है। आओ देखें कि मुझे क्या स्वादिष्ट खाना मिलता है। ओ यार, मुझे मेरा फेवरेट बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम मिली है। ये एकदम सही कॉम्बिनेशन है, ये पूरी तरह से रंग से भी मेल खाते हैं। दोस्तों, अंत में मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा आइडिया, यह कमाल का है। मैं आइसक्रीम को पिघलाकर उस पर डाल दूंगी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने वाली हो। स्प्रिंकल्स के साथ यह केक और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, यह तो अच्छा आइडिया है। अब देखो, और इस तरह से मेरी राजकुमारी की ड्रेस अवास्तविक रूप से सुंदर हो जाएगी। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ खा लूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है केक, मुझे भी वो चाहिए। क्या टॉक्सिक वेस्ट? ये बहुत खट्टी कैंडीज है। हालांकि मैंने उन्हें कभी खाया नहीं है, इसलिए मैं गलत हो सकती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, ये वास्तव में बहुत खट्टा है, मैं वो नहीं खाऊंगी। ओ हाँ, तुम्हें वह खाना होगा, यही नियम है। कल्पना करो कि यदि तुम इसे कैंडी से सजाती हो तो तुम्हारी गुड़िया की ड्रेस कितनी सुंदर होगी। ठीक है, तुम सही हो। मुझे आशा है कि केक भयानक खट्टेपन को कम कर सकती है। खाओ खाओ खाओ। नहीं, यह भयानक है। दोस्तों, यह असहनीय है। मैंने तुम्हारी बात क्यों सुनी? मुझे वो बकवास नहीं खाना चाहिए था।
चलो देखते हैं मुझे क्या मिला है। आशा है कि कुछ स्वादिष्ट हो। अरे नहीं, ये मस्टर्ड नहीं, वो मेरा केक बर्बाद कर देगी। बिल्कुल, वो इसे तीखा कर देगी। ये तुम्हें पसंद आएगा। मैं कम से कम सुंदर पैटर्न बना सकती हूँ, तभी इतना बुरा नहीं होगा। और अब इसे खाने का समय है। कैसा है? स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत ही बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ सब जला दूंगी। चिंता मत करो, मेरे पास फ्रिज में बर्फ है ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए। ये तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, इसने वास्तव में मदद की, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। फिर से गर्म। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम सारा बर्फ अपने ऊपर डाल लो। बस इतना ही। कितने असामान्य केक्स हैं। ये बहुत फनी है, लेकिन बटन कहाँ गया? मुझे वो मिल नहीं रहा है। अब पता करने का समय है कि मुझे किस चीज के साथ अपने केक को सजाना है। फॉर्चून कैंडी? नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन वो है कहाँ? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ। वाह, देखो कॉटन कैंडी, वह कितनी सुंदर है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वाह, ये मुंह में तुरंत पिघल जाता है। सुपर, अब इसे सजाने का समय आ गया है। मैंने इसे अच्छे से सजाया है ना? कूल, अब इस स्माइली के पास मुझसे बेहतर हेयर स्टाइल है। मैं सहमत हूँ, मुझे आशा है कि इसके अंदर कुछ स्वादिष्ट छिपा है। मुझे लगता है कि अब मैरी को डिस्टर्ब ना करना बेहतर है, इसलिए हमें काम करने की जरूरत है। चुनौती को आगे बढ़ाते हैं। पता नहीं क्या मिलेगा। अरे नहीं, नींबू, मुझे ये सच में मिला है। बटर मत गिराओ केट, मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने केक को नींबू के स्लाइस से सजाना होगा। मुझे डर है कि बहुत कम है, तुम्हें पूरा डालने की जरूरत है। नहीं बेटी, नहीं प्लीज, यह करना जरूरी है, ये हमारी चुनौती के नियम है। हो गया, तुम अब खा सकती हो। मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। मुझे उम्मीद है कि केक की मिठास नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म कर देगी। हालांकि बेहतर होगा कि मैं उम्मीद लगाकर ना बैठूं। अरे कितनी खट्टी है। रुको केक, तुम्हारे पास अभी भी एक पूरा केक है। नहीं बस, ऐसा लगता है कि उसे कुछ आराम की जरूरत है। ठीक है, चलो उसे परेशान मत करो। बेहतर होगा कि मैं अपने केक के साथ आगे बढ़ूं। काश मुझे उसके लिए कुछ स्वादिष्ट मिल जाता। वाह, मेरी इच्छा पूरी हुई, मुझे गमी मिला है। मैरी देखो, ये कितने सुंदर है, रंगीन है। ये सजावट मेरे केक को और भी स्वादिष्ट बना देगी, लेकिन पहले इसका स्वाद लेना होगा। बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। देखो मैरी, अब मेरे स्माइली चेहरे का भी एक नया हेयर स्टाइल है। अरे कोई मुझ पर ध्यान दो। केट उठो, मेरे केक के साथ मेरी एक फोटो लो। बिल्कुल, स्माइल, मैं फोटो खींच रही हूँ। चीज। और उसे इन तस्वीरों की जरूरत क्यों थी? मैं उन्हें केक को याद रखने के लिए खींचना चाह रही थी, लेकिन अब तो मेरा केक बर्बाद हो गया है। परेशान मत हो, कभी कभी ऐसा होता है। वाह, नए केक्स, वे पिरामिड की तरह दिखते हैं। और जब तक तुम लड़ रहे हो, मैं बटन दबाती हूँ। मुझे यकीन है कि इस बार भी किस्मत मेरा साथ देगी। वाह न्यूटेला, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी चीज मिलेगी। वाह, हम सब तुम्हारी जगह में होना चाहते हैं। हाँ, सौभाग्य से मैं भाग्यशाली हूँ। वैसे मुझे पहले ही पता चल गया है कि मेरे न्यूटेला केक को कैसे सजाया जाए। इसके लिए मुझे पेस्ट्री बैग चाहिए। देखो यह कितना अच्छा निकला। सच कहूँ तो ये बहुत स्वादिष्ट नहीं लगता। हाँ, ये थोड़ा पूप की तरह लग रहा है। तुम बस मेरी भूख खराब करने की कोशिश कर रही हो, ये काम नहीं करेगा। मैं अभी भी अपनी स्वादिष्ट और सुंदर ट्रीट खाकर खुश हूँ। मेरी कैसे खा रही है। चलो उसे खाते हुए नहीं देखते हैं, ये बहुत गंदा है।
वाह, मुझे अच्छी सजावट मिली है। रसदार और सुगंधित तरबूज बहुत अच्छा है। कितने बड़े टुकड़े हैं। यह निश्चित रूप से मेरे केक को सजाने के लिए काफी है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ केट। शुक्रिया, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं अपने केक को तरबूज के दिलों से सजाऊंगी। मुझे लगता है कि बहुत प्यारा लगेगा। अलग अलग आकार के मोल्ड्स की मदद से मैं तरबूज के पल्प से दिलों को काटूंगी। बस हो गया, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब बस इसे केक के ऊपर लगाना है और बस मेरी सजावट तैयार है। मेरी राय में ये रोमांटिक लग रहा है। हाँ, ये कितना प्यारा है। ऐसी मास्टरपीस को बर्बाद करना अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे चखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि स्वाद दिखने से भी बेहतर होगा। वाह, यह बादल जैसा दिख रहा है। बहुत कोमल और हल्का, बहुत खूब। तरबूज का रस इसे और भी अच्छा बना रही है। अरे वाह केट, ये तुमने मेरे चेहरे पर बीज क्यों थूका? और अब मेरे केक खाने का समय है। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे इसे नाचूस से सजाना होगा। वाह, आमतौर पर ये बहुत तीखे होते हैं। ओ हाँ, मसाले मेरे नाक में घुस गए। पैकेज को मुझसे दूर करो, मैं जलना नहीं चाहती। मुझे अपने आप को शांत और इसे जल्दी खत्म करने की जरूरत है। मैं सबसे सुंदर सजावट करूंगी, तुम देखोगे। ये वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। ये अफसोस की बात है कि मुझे अच्छे स्वाद की उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आशा है कि मैं सब कुछ संभाल सकूंगी। चलो शुरू करते हैं, मुझे शुभकामनाएं दो। अब तक सब ठीक है, मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। ओह, ऐसा लगता है कि शुरू होने वाला है। मेरी सही है, मैं जल रही हूँ। हमें तत्काल कुछ करने की जरूरत है। केट, अपनी वाटर गन निकालो, इस आग को बुझाने का समय आ गया है। मैं तैयार हूँ मैरी, सब कुछ नियंत्रण में है, चलो। तुम क्या कर रही हो? हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सफल रहा, हम बहुत अच्छे हैं। बस काफी है, मैं अब नहीं चल रही हूँ। लगता है रुकने का समय आ गया है। क्या सुंदर केक है। मैं अपने लिए सजावट चुनने वाली पहली व्यक्ति बनना चाहती हूँ। लड़ना बंद करो, इस बार मैं पहले होऊंगी। मुझे आशा है कि मैं भाग्यशाली होऊंगी। वाह, स्ट्रॉबेरीज, इससे बेहतर केक डेकोर और क्या हो सकता है। बधाई हो केट, देखो कितने पके और सुगंधित बेरीज हैं। ऐसा लगता है उन्हें अभी अभी बगीचे से तोड़ा गया है। कितना पका हुआ, एकदम बढ़िया। यह पूरी तरह से मेरे केक का पूरक होगा। अब सजाओ भी, हम इंतजार कर रहे हैं। हो गया, ये मुश्किल नहीं था। मैरी, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? यह स्ट्रॉबेरीज हमारा है। अरे तुम क्या कर रही हो, मुझे मेरे स्ट्रॉबेरी दो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। खुशी बहुत करीब थी, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। स्ट्रॉबेरी मेरी है, जिसका मतलब है कि केवल मैं उन्हें खाऊंगी। इस क्रीम के साथ ये कितना अच्छा जाता है। अफसोस की बात है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। मुझे बटन दो, मेरे लिए भी ठीक से खाने का समय हो गया है। काश ये दौर मेरे लिए किस्मत लेकर आए। अरे नहीं, मैं क्या देख रही हूँ, ये नहीं हो सकता। तुम्हें कच्ची मछली मिलती है। मैं इसे छूने से मना कर रही हूँ। मैं बस बाल्टी को केक पर पलट दूंगी और बस। उसे वैसे मत मारो, शांत हो जाओ मैरी, बाल्टी उठाओ। मैं ये नहीं करना चाहती, बाल्टी नीचे रखो बेटी। ज्यादा नौटंकी करना बंद करो और खाओ। क्या तुम नहीं खाना चाहती? ठीक है फिर, मुझे इसे अंदर डालना होगा। अपना मुंह खोलो मैरी, नहीं तो और भी बुरा होगा। गुस्सा मत करो बेटी, तुम मुझे डरा रही हो। ऐसा लगता है कि यह मछली का स्वाद अच्छा नहीं है। वो कहना काफी नहीं है, ये इतना भयानक है। छी, मैं तो उल्टी कर दूंगी। मुझे माफ कर दो मैरी, लेकिन ये खेल के नियम है। केट, मुझे एक बेरी दे दो, शायद ये दुख को कम कर दे। धन्यवाद, मैं सच में थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, सिर्फ मैं ही बची हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। अरे वाह, मुझे ट्विक्स मिलता है। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। वाह बेटी, हाँ देखो चॉकलेट, कितने सारे स्टिक्स मिले हैं और अंदर का कारमेल भी। तो क्या कहूँ, मैं ऐसे ट्विक्स खाने के लिए तैयार हूँ, वो भी बिना केक के। हालांकि केक के साथ निश्चित रूप से और भी बेहतर होगा। अब मैं ऐसी सजावट करूंगी कि तुम सभी को जलन होगी। देखो किनारों पर कितनी खूबसूरती से स्टिक्स डाल सकते हैं। हाँ काफी अच्छा।
बहुत बढ़िया, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। मेरी सबसे अच्छी प्रतिभा है दिन के किसी भी समय पेट भरकर खाना खाना। मैं इस केक को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दूंगी। अरे बाप रे, ये संभव भी कैसे है? ओह, मैं थोड़ा थक गई हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। केक अलग अलग तरह के होते हैं दोस्तों, स्वादिष्ट और शायद उतना नहीं, सुंदर और भयानक, या फिर साधारण और अनोखा। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा मीठी दुनिया के बेहतरीन चीजों से रूबरू होते रहें। गुड लक और बॉन एपिटी।